भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं जगन्नाथ प्रभु को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मां तारिणी मंदिर, बलदेव जी मंदिर, गोनासिका मंदिर, मुर्गा महादेव और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी धरणीधर भुइयां जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये भूमि जगबंधु चक्रवर्ती की भी भूमि है, चक्रवर्ती जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। क्योंझर वालों, मैं पूरे देश में घूमते 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 आज क्योंझर आया हूं। 5 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, परिणाम जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम हुआ। अब छठे और सातवें चरण में 400 पार कराना है, 400 पार कराना है। मुझे बताओ क्योंझर वालों, यहां से 1 कमल लोकसभा में और 7 कमल विधानसभा में भेजोगे क्या? जोर से बोलो, भेजोगे क्या? भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। आप हमारे प्रत्याशी अनंत नायक के नाम के सामने कमल का निशान है, उस पर जैसे ही बटन दबाओगे, आपका वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आएगा। आपका वोट करोड़ों आदिवासी भाइयों बहनों को जीवन में उजाला फैलाने के काम में आएगा। आपका वोट ओडिशा को समृद्ध बनाने के काम में आने वाला है। और भाइयों बहनों, मैं आज यहां कहने आया हूं, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी विकास के लिए ढेर सारा काम किया है। सबसे पहले ओडिशा की गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के लिए कुछ नहीं करती। आदिवासी कल्याण मंत्रालय अगर किसी ने बनाया तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिन मनाया और 2025 में 125 साल हो रहे बिरसा मुंडा को पूरे साल को आदिवासी गौरव वर्ष मनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, एक क्योंझर के प्रदेश के अंदर बहुत सारा खनिज है, यहां से खनिज निकालकर देश भर की समृद्धि बढ़ती है, मगर क्योंझर को कुछ नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की रचना कर 85,000 करोड़ रुपया आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक कांग्रेस की सरकार, बीजू जनता दल की सरकार, कुल मिलाकर केंद्र का आदिवासी कल्याण का बजट कितना था? सिर्फ 25,000 करोड़ रुपया। भाइयों कितना था? अरे जोर से बोलो, कितना था? नरेंद्र मोदी जी ने
इसको बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने आदिवासी बच्चों के लिए 740 एकल विद्यालय बनाए, एकलव्य विद्यालय बनाए, 1,00,000 आदिवासी बच्चे ये रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं, 40,000 आदिवासी शिक्षकों की भर्ती की, और इसके साथ साथ मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया, सिकल सेल एनीमिया के लिए एक मिशन बनाकर 10 साल के बाद एक भी आदिवासी बच्चे को सिकल सेल न हो, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। धर्मेंद्र भाई बैठे हैं यहां पर, धर्मेंद्र भाई और हमारे प्रदेश के नेता मनमोहन जी ने एक एजेंडा बनाया है, संकल्प पत्र बनाया है, तेंदू पत्ता संग्रहकों को हम पैसा भी बढ़ा रहे हैं और साथ में उनको बोनस देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। और भाइयों बहनों, ये आदिवासी क्षेत्र में खदान के मजदूर तेंदुपत्ता संग्रह, उसके लिए एक यहां पर भी हम 500 बेड का अस्पताल बनाएंगे और संबलपुर में भी 500 बेड का अस्पताल बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ आप सभी लोग, ये चुनाव जो विधानसभा का है वो ओडिशा के गौरव का चुनाव है। मुझे बताओ, ओडिशा पर कोई तमिल शासन कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? कोई तमिल बाबू ओडिशा चला सकता है क्या? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, ओडिशा का ही युवा मुख्यमंत्री, ओडिया बोलने वाला मुख्यमंत्री यहां पर शासन करेगा। भाइयों बहनों, नवीन बाबू ने 25 साल में ओडिशा को पीछे छोड़ दिया। ओडिशा के 25,00,000 लोगों के पास आज भी घर नहीं है। ओडिशा के 26,00,000 लोगों के घर में आज भी पीने का पानी नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और धर्मेंद्र भाई ने तय किया है, आप भाजपा सरकार बना दो, 2 साल में हर व्यक्ति को घर और पीने का पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आपको धान का दाम मिलता है क्या? ध्यान से, मिलता है? ये पास में हमारा छत्तीसगढ़ है, भाजपा सरकार है, वहां पर 3100 रुपया क्विंटल धान का दाम मिलता है, मगर नवीन बाबू नहीं देते हैं। मैं आपको बताकर जाता हूं, 7 विधानसभा के प्रत्याशी और अनंत नायक को जिता दो, आदिवासी भाइयों का सबका धान का 1-1 किलो दाना 3100 रुपया क्विंटल से खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और 48 घंटे में बैंक अकाउंट में इसका पैसा आएगा, और आदिवासी माताएं बहनें जितनी आई है कमल के फूल पर वोट देना, आपको 50,000 रुपया का वाउचर घर में पंखा, इस्त्री, कूलर, पलंग, कुर्सी जो भी लाना है, हम 50,000 रुपया देने का काम हमारी आदिवासी माताओं को करेंगे। हम 25,00,000 लखपति दीदी बनाएंगे, हम तेंदू पत्ता का भाव 2 रुपया प्रति कोरी से बढ़ाएंगे और 35% बोनस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात
मेरे आदिवासी युवाओं के लिए मैं कहना चाहता हूं, ये नवीन बाबू की आयु हो गई है, ज्यादा काम होता नहीं है, इसलिए भर्ती भी नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, हमारा युवा मुख्यमंत्री आकर 2 ही साल में 1.5 लाख युवाओं की भर्ती सरकार में नौकरी देने का काम हम करेंगे। राहुल केला संबलपुर परादीप धामरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, भुवनेश्वर राहुल केला ब्रह्मपुर बालेश्वर आईटी पार्क बनाएंगे, 15 लाख घर बनाएंगे, 26 लाख घरों में पानी देंगे और 5 लाख तक का आपका इलाज, चाहे कहीं पर भी काम करने जाइए, पूरे देश पर भी, गुजरात जाइए, महाराष्ट्र जाइए, हरियाणा जाइए, कर्नाटक जाइए, देश भर में कहीं पर भी जाइए, 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान भारत योजना से फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में कराने का काम भाजपा सरकार करेगी। 36,000 नए बिस्तर बनाए जाएंगे। और भाइयों बहनों, मैं कहकर जाता हूं, 5 साल में हम ओडिशा को भारत का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। भाइयों बहनों, अभी मोदी जी आपको 5 किलो अनाज भेज रहे हैं ना भाई, माताएं बहने बोलो, 5 किलो चावल मिल रहा है ना। अब ये नवीन बाबू कहते हैं कि 5 किलो चावल हम भेज रहे हैं। अरे नवीन बाबू, आप चावल नहीं भेज रहे हो, इसके ऊपर जो झोला होता है ना, झोला, झोला देखा है ना, ये सिर्फ झोला नवीन बाबू देते हैं। ये चावल वाली सरकार नहीं है, झोले वाली सरकार है, झोले वाली सरकार। आदिवासी माताओं, मुझे बताओ, झोला कोई खा सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, झोला पका सकते हो क्या? और चावल ही खाया जा सकता है नवीन बाबू, झोले जितने रुपये का चावल ज्यादा दे देते, मेरे आदिवासी बच्चे थोड़ा पेट भरकर खा पाते। मगर मैं बताता हूं, ये झोले बोले की राजनीति नहीं चलेगी। हर आदिवासी भाई बहन को 5 किलो अनाज 2029 तक नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुफ्त में देने वाली है। वन रेशन कार्ड, हमारा कोई भी आदमी बाहर काम पे जाता है, उसको सस्ता अनाज नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ से कोई जाएगा, गुजरात जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा, वो अपने हिस्से का अनाज लेकर वहां खा लेगा, मगर हमारे ओडिया बच्चों को नहीं मिलता है, क्योंकि नवीन बाबू ने वन रेशन कार्ड पर रोक लगाई है। मैं आपको कहता हूं, भाजपा सरकार बना दो, वन रेशन कार्ड हम लागू कर रहे हैं। एक क्योंझर के अंदर 2400 करोड़ रुपया से मोदी जी ने गांव के रोड बनाए, 1100 करोड़ रुपया से सिंगरा से बिंजा बहल खंड को 4 लेन किया, 162 किलोमीटर बांसपानी देतारी टोंका जखारपुर रेलवे लाइन पूरी कर दी, केंदूर जारगढ़ और झारोली रेलवे स्टेशन नए बन रहे हैं, सिमिली पलकाई चटनी को जीआई टैग दिया, लगभग 3,50,000 घर बनाए, लगभग 12,000 हेक्टर में माइक्रो इरिगेशन किया, 8,12,000 शौचालय बनाए, 6,70,000 घरों में पीने का पानी पहुंचाया और फसल बीमा योजना भी 1,65,000 करोड़ लोगों को 1,65,000 लोगों को दी। भाइयों बहनों, अंत में मैं पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था?
माताएं बहनें भी बोले बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। एक कांग्रेस पार्टी सालों से राम मंदिर को रोक कर रखी थी, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, नवीन बाबू और उनके बाबू दोस्त ये राम महोत्सव रोकते थे। मुझे बताइए, उत्कल प्रदेश वालों बताइए, राम महोत्सव रोकना चाहिए था क्या? जोर से बोलो, रोकना चाहिए। जो राम महोत्सव रोकता है इसके साथ हम जा सकते हैं क्या? भाइयों, महाप्रभु जगन्नाथ, उसके चारों दरवाजे हमारे आदिवासी भाइयों के लिए खुले रहते थे, 3 दरवाजे बंद कर दिए। कोई बात नहीं नवीन बाबू, करो जो करना है वो। 1 तारीख के बाद भाजपा सरकार बननी है, 4 दरवाजे खोलकर हम जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। ये रत्न भंडार जगन्नाथ जी का, मेरा गरीब से गरीब आदिवासी भाई पीढ़ियों से जगन्नाथ जी को जो भाव में आता है वो चढ़ाता है। ये रत्न भंडार में आया हुआ 1-1 रुपया, 1-1 ग्राम सोना, 1-1 ग्राम चांदी महाप्रभु जगन्नाथ का है। और रत्न भंडार की चाबियां घूम, डुप्लीकेट चाबी बनाई, हिसाब नहीं देते कितनी बार खोला है। मैं आज कहकर जाता हूं, जांच आयोग का रिपोर्ट भाजपा सरकार 100 दिन में प्रकाशित कर रत्न भंडार के खजाने के चोरों को सजा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आया हूं तब आप सभी को बताने आया हूं। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताओ आप लोग, कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अरे जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? और जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस के अध्यक्ष कहते राजस्थान और ओडिशा वालों को कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे बाबू, मैं बताने आया हूं क्यों जर और ओडिशा का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अब बारी है पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की, बारी है पाक। एक कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर हमें धमकाते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। अरे मणिशंकर अय्यर, आपको डरना है तो डरो, राहुल बाबा को डरना है तो डरे, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम नहीं डरते हैं। मैं 8 डंके की चोट पर मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के सामने कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, वो हमारा है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस के शासन में आए दिन बम धमाके होते थे, कोई कुछ नहीं करता। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में पाकिस्तान ने हमला किया, 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, एक घमंडिया गठबंधन है, वो अगर जीतता है तो उनका नेता कौन है? कोई नेता?
कोई है नेता? मुझे बताओ, उसमें से कोई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है क्या? जोर से बोलो, दे सकता है क्या? कोरोना के सामने कोई लड़ सकता है क्या? कोई महाप्रभु का सम्मान फिर से प्रस्तावित कर सकता है क्या? ओड़िया भाषा, संस्कृति, साहित्य, कला, इसका सम्मान कोई कर सकता है क्या? हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पाई का संग्राम का टिकट और सिक्का जारी कर ओड़िया भाषा और संस्कृति को, हमारे संघर्ष को, हमारे स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, अब समय आ गया है। ओडिशा समृद्ध राज्य है, मगर ओडिशा की जनता गरीब है। अब समय आ गया है, राज्य भी समृद्ध होगा, मेरे आदिवासी भाई बहन भी समृद्ध होंगे, इसका समय आ गया है। भाइयों बहनों, बहुत समय तक नवीन बाबू को आपने चांस दिया है, 25 साल तक ओडिशा आगे बढ़ा क्या? जोर से बोलो, बढ़ा क्या? मैं आपको कहकर जाता हूं, 5 साल मोदी जी को समय दे दीजिए, 5 साल हम ओडिशा को भारत का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। तो मुझे बताओ, केजर वालों, विधानसभा में भाजपा सरकार बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे? मोदी जी को पूर्ण बहुमत दोगे क्या? 400 पार कराओगे क्या? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? ओडिशा में भाजपा सीएम बिठाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, तीनों पेंडाल में हाथ उठाओ, भाई उठाइए तीनों पेंडाल में हाथ, दोनों हाथों की मुट्ठी भींच कर बोलो, जय जगन्नाथ, जय श्री राम।